नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। अजीब सी इंट्रो हो गई, लेकिन चलो लेट द ऑकवर्डनेस फेड अवे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी एक्सरसाइज की जो कि बेसिकली आप घर पे कर सकते हैं और इट्स ग्रेट फॉर योर ट्राइसेप्स, इट्स ग्रेट फॉर इनर चेस्ट। वो लाइन होती है चेस्ट की, उसके लिए बहुत कमाल की। और बेस्ट पार्ट, मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज आप वर्कआउट में कैसे यूज कर सकते हैं और अगेन इस एक्सरसाइज को खत्म होने के बाद स्ट्रेच क्या की जाए। तो रोल द इंट्रो। इस एक्सरसाइज का नाम बेसिकली है डायमंड पुशअप्स। और कई लोग बोलते हैं कि व्हाई डू वी नीड वेरिएशन एक्सरसाइजेस में। अब जस्ट एक स्मॉल इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि शोल्डर की बात करूं, शोल्डर की ये हो गई आपकी फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये आपकी एबडक्शन और ये आपका एडक्शन। तो बेसिकली सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं और इन सब मूवमेंट्स को अलग अलग मसल ग्रुप्स सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए वेरिएशन जब करोगे तो हम अलग अलग एंगल से अपने मसल्स को हिट कर सकते हैं और एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली ये डायमंड पुशअप किया कैसे जाए। सबसे पहली चीज, इसको डायमंड पुशअप बोला क्यों जाता है आपको, क्योंकि अपने हाथ से बेसिकली एक ट्राइंगल बनाना होता है, यू नो ऑलमोस्ट अ ट्राइंगल। उसको रखिए आप जमीन पे, ठीक है, और जमीन पे रखने के बाद आप बेसिकली अपने चेस्ट को वहां पे लगाइए और वापस पुश कीजिए जी, वापस पुश कीजिए। अब मैं आपको अपना टॉप एंगल दिखाता हूँ। अब आप मेरा बेसिकली अभी टॉप एंगल देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले बात करी थी कि जो बेसिकली ये डायमंड होगा, इसकी जो विड्थ होगी या इसकी जो प्लेसिंग होगी वो आपकी चेस्ट के आसपास होगी, चेस्ट के बिल्कुल स्ट्रेट नीचे। अब जो ऊपर वाला पार्ट है, मेरी एल्बोज देखिए भाई, एल्बोज अंदर आ रही है। अगेन, अगर एल्बोज में ऐसे लेके आता हूँ जो कि बाहर आती हैं, ये आपको शोल्डर पेन दे सकती हैं और यू नो ये अच्छी नहीं होंगी काफ़ी सारी। तो बेस्ट पार्ट इज कि आप अपने सबसे पहले जो मेरे टोज हैं वो फर्मली ऑन द ग्राउंड, उसके बाद मेरा जो पेट है टाइट है, यू नो माई ग्लूट्स टाइट, हिप्स टाइट, सारा टाइट पार्ट। तो उसके बाद यू नो आई डिसेंड ग्रेजुअली और ऊपर आता हूँ, डिसेंड ग्रेजुअली ऊपर आता हूँ। अब कई लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका डायमंड है ये काफी आगे रखते हैं और उसमें अपनी नाक लगाने की कोशिश करते हैं। ये चीज, ये इसका थोड़ा एडवांस वेरिएशन जरूर है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें शोल्डर और आपके एल्बोज पे बहुत प्रेशर आता है। तो आई वुड रेकमेंड कि बेसिकली जो ये डायमंड पार्ट है ये आप अपनी चेस्ट के बिल्कुल नीचे बनाएं। इससे क्या होगा कि आपकी इनर चेस्ट पे अच्छा फोकस पड़ेगा, आपके ट्राइसेप्स पे अच्छा फोकस पड़ेगा और बेस्ट पार्ट आपकी एल्बोज पे और आपके शोल्डर्स पे उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो अभी किया कैसे जाए, वर्कआउट में कैसे लाया जाए। अगर आप काफी टाइम से पुशअप कर रहे हैं तो आई वुड एडवाइज, अगर रोज पुशअप करने वाले आप हो तो एवरी ऑल्टरनेट डे आप इसको बेसिकली 4 सेट्स ऑफ एज मेनी एज पॉसिबल जितने कर सकते हैं। लेकिन उससे जैसे मान लीजिए अगर मैं 20 से 25-30 कर सकता हूँ डायमंड पुशअप्स, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली 25 नहीं करने, आपको 3 या 4 पहले रुक जाना, मतलब आपकी थोड़ा दम होना चाहिए। डोंट गो टू द फेलियर एट एवरी सेट, वंस अ वीक आप कर सकते हैं जस्ट टू चेक कि आपने कितना इंप्रूव किया। तो एक बार वर्कआउट कर लिया तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंपॉर्टेंट उसके बाद है अपने मसल को स्ट्रेच करना। अगर मसल स्ट्रेच करेंगे तो उसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है और इंजरी चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो उसको स्ट्रेच कैसे किया जाए, अब जैसे आपका स्ट्रेच खत्म हुआ, आपका सेट खत्म हुआ तो आपको स्ट्रेच करने की जरूरत है। अब स्ट्रेच कैसे करेंगे, आप बेंच डिपोजिशन पे आइए, ठीक है, थोड़ा बिल्कुल आपके पीछे होने चाहिए आपके जो ट्राइसेप्स हैं, क्योंकि आपका जो चेस्ट पार्ट है स्ट्रेच करना है। आप थोड़ा नीचे बैठिए, अब नीचे बैठेंगे आपके जो पैक्स हैं, आपकी चेस्ट है, इस पर थोड़ा स्ट्रेच फील होगा। उसका क्या करेंगे, एक टांग आप नीचे ले जाएंगे और चेस्ट को थोड़ा फुला लेंगे, आप देखेंगे स्ट्रेच चेस्ट पे बहुत अच्छा आता है। और सेम चीज़ आप बेसिकली करेंगे अपने दूसरे पाँव के साथ, तो अगेन चेस्ट पे स्ट्रेच बहुत बढ़िया आता है। तो ये चीज़ बेसिकली आप अपने हर सेट के बाद करेंगे और जब ये करेंगे तो आपको ये चीज़ नोट होगी कि जब आप नया सेट शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे रेप्स कर पाएंगे, क्योंकि मसल स्ट्रेच हो गया होता है, क्योंकि हर एक्सरसाइज का बेसिकली मसल टाइट हो जाता है। सो गाइस, गिव दिस पुशअप अ ट्राई, और जो लोग आप इसे होम वर्कआउट करते हैं उनके लिए ये मस्ट है। सो गाइस, आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और ऑल्सो मुझे भी बताइए कि आप और किस चीज़ की फॉर्म करेक्शन या फिर यू नो ट्यूटोरियल वीडियोस देखना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।